वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एचलिंग स्टोरीज आई एम अकांशा एंड इन टुडेज टू डू अस्टेल रूम टूर मैं ऑलरेडी हॉस्टल क्लीनिंग की वीडियो बना चुकी हूँ आई विट अफ हेयर एंड ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू कैन चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदेल रूम टूर ओके okay, सो so ये मेरा बालकनी वाला एंट्रेस है मेन एंट्रेंस मेरा उस साइड से है बट यहाँ से सनलाइट आ रही है इसलिए मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ सो एज सुन एज यू एंटर इस साइड पे मेरा बेड है यहाँ पे मैंने हॉस्टल में हम लोगों को सिंगल बेड मिलने लग गया है तो मैंने यहाँ पे दो गद्दे लगा करके इसको थोड़ा हाइट दे करके बेडशीट वगैरह लगा रखी है आज ही मैंने सब पूरा रूम क्लीन किया है इसलिए आज ही शूट कर रही हूँ सो दिस इज द फेरी लाइट दैट आई हैव असेंबल्ड यहाँ पे रात में काफी अच्छी रोशनी इससे हो जाती है सो रीडिंग मेडिटेशन इन सबके टाइम पे काफी यूजफुल होता है जो फोटोज लगी हुई है वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी सो ऑल ऑफ माई मेमोरीज फॉर सेकेंड थर्ड ईयर की इसमें सारे फोटोज लगे हुए हैं फोर्थ में तो कॉलेज ही बंद था सो दिस इज दैट एरिया कर्टन्स वगैरह मेरे फर्स्ट ईयर से चल रहे हैं बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से रूम को सूट कर जाता है एंड क्रीम एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे छोटा सा मैंने ये फ्लैग लगाया है जो मैं आई थिंक दिल्ली से लेकर के आई थी बट ये नॉर्थ साइड वगैरह में मिलता है बट दिल्ली से मैं लेकर आई थी रेडी लाइक दैट एज वेल यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरा एक छोटा सा साइड टेबल है जो मैंने जुगाड़ किया था हॉस्टल में सबको मिलता नहीं है बट मैंने जुगाड़ कर लिया था सो so, यहाँ पे मेरे सारे नॉवल्स और जर्नल्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ सो बिग मैजिक है मैं पढ़ चुकी हूँ बट मैं इस साल दोबारा से री re रीड कर रही हूँ देन आई हैम ग्रेटिट्यूड जर्नल जनरल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल है देन यहाँ पे मेरा प्लानर है पावर ऑफ नाउ ब्रिलियंट बुक बट थोड़ा हैवी है सो आई एम लाइक रीडिंग इट वेरी स्लोली देन नीचे यहाँ पे शूडा हो गया नाइस बुक यहाँ पे मेरे सारे पेन्स वगैरह हैं जो मैं जर्नलिंग के टाइम यूज़ करती हूँ यहाँ पे मैंने बस प्लान्स एड कर रखा है टू एड लाइक अ गुड टच यहाँ पर कैंडल्स वगैरह है डिफ्यूज़र है फ़ोन वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर पीछे मैंने एक पोस्टर खरीदा था उसको फिर मैंने इसके सारे जो कोर्स थे वो कट करके यहाँ पर लगा लिए है एड्स अ गुड टच टू माई रूम यहाँ पर मैंने सारे वो सारे अपने जो भी कॉलेज के मेमोरीज है वो सब मैंने ऐड कर रखे है सो ये सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी ये मेरा फ्रेंड एक बार मसूरी गया था तो वहाँ से लेके आया था सम लेटर्स जो फ्रेंड्स में एक्सचेंज होते रहते हैं दैन तो यहाँ पे कॉम्पटिशन वगैरह का कार्ड वगैरह है ये सब चीज़ें मैं जोधपुर से लेकर आई थी कुछ पेंटिंग वगैरह है ऊपर मैंने कुछ पोस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं और इन सबको मैंने पहले से डेकोरेट कर रखा है नीचे एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है मैट है टेबल है लाइक मुझे फ्रिज मैग्नेट्स बहुत ज्यादा पसंद है सो so ये सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे ये मैं मसूरी से लेके आई थी यहाँ पे हैबिट चार्ट रखा हुआ है सो so, ये थोड़ा पुराना हो गया अब मैं जर्नल में कर रही हूँ बट अगर आपको सिर्फ हैबिट ट्रैकर करना है देन इट कुड बी अ गुड आइडिया यहाँ पे भी पीछे यहाँ पे कर्टेन है ना यहाँ पे मेरा दूसरा कबर्ड है मेन वाला कबर्ड मेरा उस साइड हो गया बट ये वाला जो है ये सार काइंड ऑफ स्टोर रूम जैसा है इसमें मैं सिर्फ अपना बाकी सारा सामान रखती हूँ जैसे रिंग लाइट वगैरह हो गया सूटकेस वगैरह हो गया वो सब ऊपर भी मेरा सूटकेस वगैरह रखा है यहाँ पे मेरा ब्लैक बॉक्स है सो so, यहाँ पे सारे बुक्स वगैरह रहते हैं और जो भी थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान एंड स्टफ लाइक दैट यहाँ पे मेरा टेबल है सो मैं यूजली तो मैं ऐसे रजाई में घुस के ही पढ़ाई करती हूँ बट मैं ट्राई करती हूँ कि टेबल चेयर पे करने के लिए सो यहाँ पे टेबल चेयर रखा हुआ है यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं कभी कभार ही खाती हूँ यहाँ पे मेरा कंटेंट आ, कंटेंट डायरी है पीछे वाटर बॉटल्स रखी हैं, देन थोड़ा बहुत सामान है स्टेशनरी का सामान है चेयर एंड स्टाफ बेसिक चीजें इस साइड जब हम लोग रूम के इस कॉर्नर में आते हैं दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है सो so, ये मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए ऐड किया है सो so, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी यू कैन चेक इट आउट एंड ये जो फेरी लाइट्स है ये भी मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी सो so, इन सबको मैंने असेंबल कर लिया है एंड देन नीचे मेरा योगा मैट है जो मैंने ऐड कर लिया है देन आई हैव दिस प्लांट जो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर रखा है मेरा नहीं है बट इट रियली एड्स टू द एस्थेटिक्स ऑफ माई रूम एंड यहाँ पे दिस इज द कॉर्नर ऑल्सो जिसमें मेजोरिटी ऑफ चीज़ें मेरी फ्रेंड की है ये भी मेरी फ्रेंड की है ये भी मेरी फ्रेंड की है ये वाला मैंने इंस्टा स्टोर से मंगाया था इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यहाँ पे एक छोटा सा टाइप साइट टेबल है यहीं पर मेरी मेजोरिटी ऑफ द वीडियोज शूट होती है रियली वी� लाइक द होल एस्थेटिक्स एंड यहाँ पे देन अगेन कर्टन है एंड मेन बालकनी जहाँ से हम लोगों ने ऐसे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था एस एज यू कम आउट तो फिर यहाँ पे ये मेरे हॉस्टल का दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फिर बेसिक uh, यहाँ पे तो बस ये हॉस्टल नॉर्मल जनरल स्टफ बकेट भर के बाल्टी रखी हुई है जो मुझे कपड़े धोने हैं एंड देन जस्ट बकेट्स वगैरह स्टफ दिस इज माई हॉस्टल रूम एंड दिस इज द बालकनी एरिया सो दिस वॉज माई हॉस्टल रूम यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐड किया दट आई थिंक की इट एड्स अ लॉट टू माई रूम एंड आई थिंक आपको अपना हॉस्टल रूम डेकोरेट करके रखना चाहिए यू शूड नॉ लाइक मेक इट लुक लाइक अ स्टोर रूम हॉस्टल रूम है बट स्टोर रूम नहीं है सो मेक शोर दैट यू डेकोरेटेड अब बेट एंड मेक मेक इट लुक लाइक अ घर वाला जो एकदम रूम होता है प्रॉपर उस तरीके से सो आई रेली लाइक की हाउ हैव डेकोरेटेड इट थोड़े महीने में तो जाना ही है दो तीन महीने में सब रैप अप करके घर जाना है बट आई स्टिल वॉन्टेड टू डेकोरेट इट एंड मेक इट लुक फ्रेश एंड गुड सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ें अपने रूम में ऐड करने वाले हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डेट दैन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल आई पोस्ट वीडियोज एवरी ट्यूज एंड सैटरडे एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन बाय यार खराब हो रहा है इधर बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही है हेलो एंड मेरे रूम में ही है मैं बाद में आके देती हूँ अभी रू, 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 एंडिंग चल रही है वीडियो की ये डालूंगी मैं बिहाइंड द सीन्स में क्लिप आई भी है हो गया बाप रे